अब जो भी एडमिशन होंगे वो सिर्फ डोनेशन से ही होंगे। ओके सर। आप यहां? आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुलवाते मैं आ जाता। ये हमारी बच्ची है, इसे समझाया था कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं धरा, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। पूरे जिले में अव्वल आई है। मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारे कॉलेज में पढ़े ताकि अपनी जिंदगी में कुछ कर सके और कॉलेज का नाम भी रोशन हो। सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं सर, सिर्फ डोनेशन सीट्स ही बची हैं। डोनेशन? वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं? सुनो, किसी भी तरह एक सीट का इंतजाम करो, समझे? सर, अगर मैं ऐसे ही सीट देता रहा तो बिजनेस ठप हो जाएगा। पढ़ाई को धंधा बना रखा है, दारू की दुकान खोल लो, उससे पैसे कमा लेना। कल से ये पढ़ने के लिए यहाँ आएगी। इसे देखकर दूसरे और गरीब बच्चों की पढ़ने की इच्छा होगी। हर किसी के लिए मुझे यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। बेटा पढ़ो लिखो और आगे जाकर इसकी तरह बनो। मालिक। मानसा के लिए एक रिश्ता लाया हूं, लड़का बहुत अच्छा है, कल वो मानसा को देखने आएगा। मैं शादी नहीं करूंगी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। शादी करना तो हर लड़की का धर्म है, तुझे तो खुश होना चाहिए। आप भी कुछ नहीं बोलती हैं। आपको मुझसे प्यार है या नहीं, कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। मुझे खुद पता नहीं था, तुम्हारे चाचा ने अचानक सब तय कर दिया। जय, मेरे चाचा मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। पता है? ये क्या जय, तुम कुछ नहीं करोगे? लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, शादी करने नहीं। टाइम पास करो, जो होगा देखें, बाद में मैं संभाल लूंगा। आखू आइए, आइए बैठिए। मेरे बड़े भैया, तुम्हारे होने वाले ससुर। मैं गणपत राव, मेरा नाम तो सुना ही होगा। पिछले ही हफ्ते मैंने अकेले 6 लोगों को काट डाला था। अरे प्रताप, कहाँ जा रहे हो? प्रताप नहीं दद्दू, प्रताप, बैंक जा रहा हूँ। आज घर में मेहमान आए हुए हैं, आओ। ये गणपत राव जी हैं, मानसा के रिश्ते के लिए आए। नमस्ते राव जी, दोस्तों के साथ आए, मम्मी पापा को नहीं लाए? शादी मेरे को करनी है, मम्मी पापा को नहीं, इसलिए अकेले आया हूँ। ओ, बड़ी चर्बी है इसको। लड़की तैयार नहीं हुई क्या? जाओ जल्दी बुलाओ उसे, दुश्मनों को पता चल गया तो मुझ पर अटैक हो सकता है। दिखने में तो अच्छी है, नाम क्या है? मानसा। नाम तो ठीक ठाक है, मेरा नाम गणपत राव है। अब ज्यादा नखरे मत दिखा और कॉफी पिला। कॉफी मांग रहा है। क्या बात है, इसकी अकड़ मुझे सूट करेगी। कितनी पढ़ी लिखी है, साइन तो कर लेती है? फॉरेन से एमएस किया है। मतलब 10th भी पास नहीं किया? आप लोग कहां से आए हो? शांतिनगर से। वहां भाई को कोई लड़की नहीं मिली? नहीं। ओहो, भाई ने कहां तक पढ़ाई की है? केजी के बाद पढ़ाई नहीं की, फिर भी उनको 10th पास लड़की चाहिए। तुझे प्रॉब्लम है? मैं कहां खंभे से सर फोड़ रहा हूं। मुझे लड़की जम गई है, फोटो व्हाट्सएप कर देना, अम्मा को दिखा दूंगा। इसकी अम्मा फोटो देख के क्या करेगी, शादी इसे करनी है। चलता हूं। हां बोल के चला गया। क्या मैंने इसी दिन के लिए पढ़ाई की थी? मम्मी, मम्मी आप जाकर उन लोगों को समझाती क्यों नहीं है? जब तू पढ़ना चाहती थी तो मैंने ही तेरा साथ दिया, लेकिन तेरे लिए लड़का ढूंढने का मुझे कोई हक नहीं है। लड़का अच्छा लगा ना?
लंबा चौड़ा मूंछों वाला। अच्छा है तो खुद ही कर लो, पर दुल्हन के गेटअप में ये थोड़ी अजीब नहीं लगेंगी? ये लीजिए। हेलो 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 हेलो, लड़का पसंद आया? इसे पसंद ही नहीं आया, तुम बताओ कैसा लगा? एकदम मस्त है, सिर्फ नाम में दम नहीं है। नाम में? गणपत राव, ये भी कोई नाम है? नरसिम्हा राव या बाजीराव होता तो अच्छा लगता। लड़का सुमो में घूमता है, व्हाइट कपड़े पहनता है, काला चश्मा लगाता है, ओके नो प्रॉब्लम, बिल्कुल चलेगा। लेकिन उसके आसपास खड़े उन मुष्टंडों को देखा था आपने? उससे लगता है कि लड़के के बहुत दुश्मन है। अभी लड़का कुमारा है तो सिर्फ उसी की जान को खतरा है, पर शादी के बाद इसकी जान को भी खतरा होगा। अगर दुश्मन ने सही मौका देख के अटैक कर दिया तो क्या होगा? मर जाएगा वो। वो मर भी गया तो चलेगा, एक हफ्ते के लिए हम उसका शोक मनाएंगे, फिर अपने काम धंधे पर फिर से लग जाएंगे। लेकिन अगर उसके हाथ पैर टूट गए और वो एक लाश की तरह जिंदा बच गया तो? आपकी एक छोटी सी गलती से आपकी लाडली बेटी का जीवन बस एक नर्क बन के रह जाएगा। और उस लड़के में कोई कमी नहीं है, मुझे तो वो एकदम चकाचक लगा है, नो प्रॉब्लम, एकदम बढ़िया। अगले महीने के 17 तारीख का शुभ मुहूर्त है, पंडित जी ने बताया, ठीक है ना? मानसा के लिए आया रिश्ता मुझे पसंद नहीं है। मानसा पढ़ी लिखी है, उस लड़के के साथ अपनी सारी जिंदगी नहीं बिता पाएगी। लड़का पढ़ा लिखा ना भी हो तो चलेगा, लेकिन मैं मानसा की जान खतरे में नहीं डाल सकती, बिल्कुल नहीं। वो तुम्हारी बेटी है, अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, कोई और अच्छा लड़का देख लेंगे। तू उसे जानता है क्या? उसने तेरा चुम्मा क्यों लिया? एक अंदर की बात बताऊं, मैं उसे इटली से जानता हूं। उसी के लिए यहां पर आया हो? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। यानी तुमने उसके भाई को चारा बनाकर इस्तेमाल किया इस घर में घुसने के लिए? क्या दिमाग पाया आपने। मानना पड़ेगा सबको उल्लू बना रहे हो। हाँ। किसी को भी बख्श नहीं रहे हो, है ना? हाँ। इस कुर्सी पर लेटे हुए इंसान को भी नहीं छोड़ा भाई। हाँ। वाह, इसे कहते हैं भेजा बंधु। सबको यूज करना है पर मुझे गरीब को छोड़ देना। शुरुआत आपसे ही की थी। ये शर्मी से कबूल कर रहा है, मुझे भी बकरा बनाया। जागो सोने वालों, वो उल्लू बना रहा है, तुम बन रहे हो। आई लव यू टू। पंचर हो गया भाई। ए, इसे जल्दी से ठीक करा। ठीक है भाई। नमस्कार भैया। आगे तक छोड़ दे। आइए। देवा के आदमी आ रहे हैं, और तेज चलाओ। जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
चूहा कहीं का। तू यहाँ क्या कर रहा है? बाल कटाने गया था अक्षर। बाल बाल बच गए डूड, अगर पकड़े जाते तो क्या हाल होता। अब अटैक करने की हमारी बारी है ना। मार डालूंगा एक एक को। मैं आपको एक अच्छा आइडिया दूं। वो अब इस इंतजार में होंगे कि आप उन पर कब अटैक करोगे। हम अगर उन पे अगले 50-60 साल तक अटैक ही ना करें तो वो बेचारे डर के मारे वैसे ही मर जाएंगे। कैसा लगा आइडिया? सुपर है ना।